हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस चैनल पर आप सभी को मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का लाइव क्लास के माध्यम से तैयारी जो है करवाया जा रहा है। और देख सकते हैं कि यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि सभी सब्जेक्ट का इस रूटीन के अनुसार आप लोगों को तैयारी करवाया जो है जा रहा है। लेकिन अभी कुछ दिनों से टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, जिसके कारण अभी आप लोगों को कुछ इस तरह से ही आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्लास बंद जो है हम नहीं कर रहे हैं। तो शुरू करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, आज की क्लास में गणित पढ़ने वाले हैं। गणित में आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी प्रश्नावली जो 5.2 है उसमें चार क्वेश्चन बचा हुआ है, 17, 18, 19 और 20। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो है आपको पता होना चाहिए कि शाब्दिक समस्या वाला क्वेश्चन है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो लोग अगर पहले से पढ़े हुए हैं तो आप भी जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का बार बार रिवीजन करना आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण जरूरी है, क्योंकि ये सब जो टाइप के भाषा वाला जितने भी क्वेश्चन होते हैं बच्चों को बहुत जो है परेशानी आता है। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कभी वो तो सीखेंगे ही सीखेंगे, और जो पढ़ चुके हैं तो आप भी जो है रिवीजन के तौर पर देखने सीखने समझने की जो है कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि आखिर आप जो पढ़ाई किए थे उसी तरीका से हमने बताया है कि हमने कुछ दूसरा तरीका बताया। क्योंकि बता दें आपको कि आप अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन तो वही होता है, लेकिन मेथड क्या होता है भाई साहब, बदल जाता है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने स्टाइल में आप लोगों को कुछ अलग तरीका से क्या किया जाए, बताया जाए। तो शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 17, 18, 19 और 20 ये पूरा आज कंप्लीट होने वाला है, और कल के क्लास में हम लोग जो है आपका प्रश्नावली 5.3 जो है वो शुरू करेंगे, जो हम एपी के अन पदों के योग के बारे में उसमें क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। आइए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक यूनिक क्वेश्चन है 17 नंबर। क्या पूछा जा रहा है कि एपी 3.8.13.253 में अंतिम पद से, ये जो अंतिम पद से है ना, यही इस क्वेश्चन के लिए खास बात है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। आपको देखिए, अगर इस एपी में, ये एपी आपको दे दिया गया है, इस एपी में अगर आपको आपसे कोई पूछता है कि भाई बताओ तीसरा पद क्या है, तीसरा पद मतलब A3 इस एपी में क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसका जो तीसरा पद है वो 13 है। तीसरा पद कितना है, 13 है, क्योंकि आपने बाएं से दाहिने गिनना क्या किया, शुरू किया, तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इसको कहते हैं शुरू से, जब आप बाएं से दाहिने क्या करते हैं जाते हैं तो उसे कहते हैं शुरू से। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 20वां पद बताना है, 20वां पद बताना है, और बाएं से दाहिने नहीं, दाहिने से बाएं के रूप में बताना, इधर से गिनना है आपको, इसे एक, इससे पहले जो होगा उसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इस तरह से गिनना है आपको, और 20वां पद आपको क्या करना है बताना है। तो जनरली हम लोग जो एपी का पद गिनते हैं वो शुरू से गिनते हैं, शुरू क्या है, बाएं से दाहिने जाएंगे तो ये शुरू से गिनना हुआ, और अगर आपको अंतिम से निकालना है तो अंतिम से जब निकालते हैं तो इधर दाहिने से बाएं आपको आना पड़ता है। तो आखिर इस क्वेश्चन को बिल्कुल बिना कोई कंसेप्ट के बदलाव का कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया भाई साहब अंतिम से क्या कीजिए, 20वां पद निकालिए। अगर ये शब्द नहीं रहता क्वेश्चन में, सीधे बोलता इतना एपी में 20वां पद ज्ञात कीजिए, तब तो सिंपल, जैसे हम लोग एपी से ए निकालते हैं, ए निकाल लेते, डी निकाल लेते, और ए जो है ए बी से निकाल लेते, तो काम बन जाता। लेकिन यहाँ पर अंतिम से निकालना है, तो क्या करेंगे, जब आप इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, क्वेश्चन को जब आप हल कीजिएगा तो इस क्वेश्चन का जो खासियत है ना उसको आप सबसे पहले ही लिख दीजिएगा। क्वेश्चन का खासियत क्या है, अंतिम पद से हमें निकालना है, तो लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ये बात आप पहले ही लिख दीजिएगा, लिखेंगे चूंकि यहाँ अंतिम पद से, ठीक है, अंतिम पद से यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ठीक है ना, अंतिम पद से 20वां पद, ठीक है ना, ये 20वां पद लिखेंगे, ठीक है ना, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात करना, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अंतिम पद से ज्ञात करना है। तो देखिए, काम आपको उल्टा करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको जब एपी दिया जाता था तो आप क्या करते थे, एपी जो दिया जाता था तो उसमें से पहले ए का मान निकालते थे, फिर डी का मान निकालते थे, तो इसको ए बोल देते थे और A2 - A1 लिखते थे डी। लेकिन यहां पर आपका काम डायरेक्ट उल्टा होगा, आप जो है
एक इसको मानेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ अंतिम पद से बीसवां पद निकालना है, इसीलिए लिखेंगे इसीलिए, ठीक है ना, ए बराबर, इसीलिए ए बराबर। ए जो है ना, हम पता है आपको कि प्रथम पद इसको बोलते हैं, लेकिन काम आपको अंतिम से करना है, इसीलिए आप इसको ए बोलेंगे, इसको ए नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप एक इसको एक का मान कितना हो जाएगा 253। क्यों उल्टा कर रहे हैं से तो आपको, वो तो आपको पता चल ही गया कि क्यों हम उल्टा कर रहे हैं। दूसरा अब हम निकालेंगे डी, है ना, तो यहाँ पर ये इसीलिए का चिन्ह है, इसीलिए ए मिल गया और आप निकालेंगे डी। तो डी का सूत्र क्या होता है, डी का जो सूत्र होता है वो होता है ए टू माइनस ए वन, लेकिन आप काम उल्टा कर रहे हैं, इसीलिए हम लिखेंगे ए वन माइनस ए टू। ए वन माइनस क्या करेंगे, ए टू करेंगे। ए वन कितना सर, तीन है, तीन माइनस क्या करेंगे सर, आठ करेंगे, तीन माइनस क्या करेंगे, आठ करेंगे, तो कितना मिल जाएगा आपको, जल्दी से बता दीजिए आप लोग कमेंट में भी लिखते चलिए, तो माइनस पांच मिलेगा। बस यही दो काम आपको करना है उल्टा, बाकी आगे सेम टू सेम कर लेना है। तो देखिए आप ए निकाल चुके हैं, डी निकाल चुके हैं, अब आपको निकालना है बीसवां पद, तो लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए बीसवां पद बराबर, क्या लिखेंगे, बीसवां पद बराबर। बीसवां पद का हम लोग क्या बोलते हैं, ए बीस बोलते हैं, यानी कि आपको निकालना है ए बीस, तो ए बीस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस उन्नीस डी होता है सर जी, ए प्लस उन्नीस डी होता है। तो अब आपका आ गया आंसर, ए का मान आप ले लेंगे कितना 253, और प्लस है तो प्लस, और उन्नीस गुने डी, उन्नीस गुने डी, तो डी का मान तो आपने माइनस पांच लिया है, तो आप ले लेंगे कितना, माइनस पांच ले लेंगे। अब इसको आप आगे बढ़ा लीजिए, आगे बढ़ाने में क्या करेंगे, 253 है वो 253 रहेगा ही रहेगा, और प्लस गुने माइनस ये हो जाएगा माइनस, 19 पंचे पंचानवे, 19 पंचे कितना होता है, पंचानवे होता है। अब आप घटा लीजिए 253 में से, जैसे ही पंचानवे घटाएंगे तो 158 मिलेगा, कितना मिलेगा 158 यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 13 में से 5 जाएगा तो 8 मिलेगा, 4 में से अगर आप 14 में से 9 घटाते हैं तो 9 5 14 होगा, ये ठीक, इतना बिल्कुल फाइनल आंसर आपका हो जाएगा। बताइए हमारा मेथड आपको कैसा लगा, ठीक है, और आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आखिर इससे पहले जो आपके कोई दूसरे गुरुजी या फिर आप कहीं दूसरा जगह पढ़े थे तो इस मेथड से बताया गया था कि दूसरे मेथड से बताया गया था, ठीक है, अगर दूसरे मेथड से बताया गया था तो कमेंट में बस इतना लिख देना है कि सर दूसरे मेथड से हमको बताया गया था और आप तो कोई दूसरा मेथड बताएं, ठीक है। तो इसी तरह आप सीखते चलेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, कितना आसान है, कितना शॉर्टकट हमने बना लिया, सो बताइए मस्त है कि नहीं, एकदम मस्त है। आप इस तरह से बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप बस ये वाला कंसेप्ट लगा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है, 18 नंबर क्वेश्चन, आ जाइए सीखने समझने की कोशिश कीजिए। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, चौथा पद और आठवां पद को जोड़ेंगे तो 24 मिलेगा, भाई साहब बोला जा रहा क्वेश्चन में, तथा छठे और ग्यारहवें जो पद है, छठे और ग्यारहवें पद को जोड़ते हैं तो 44 मिलेगा। तो इस एपी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए, प्रथम तीन पद मतलब ए वन ए टू और ए थ्री आपको निकालना है। सिंपली समझिए, जिस एपी का चौथा पद और आठवां पद जोड़ने पर हमें 24 मिलता है और छठा पद और दसवां पद जोड़ने पर हमें 44 मिलता है, उस एपी का पहला दूसरा और तीसरा पद निकालना है। एकदम सिंपल तरीका से मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से सीखने समझने की यहाँ पर क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जब आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए तो क्या लिखेंगे सर, जब हल कीजिएगा तो लिखिएगा, है ना, दिया गया है, ठीक है ना, दिया गया है, दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है सबसे पहले बताइए, तो सर क्वेश्चन में दिया गया है कि चौथे और आठवें पद का जो योग है ना वो 24 है, तो चौथे पद को क्या बोलते हैं सर जी, हम चौथे पद को बोलते हैं ए चार, ठीक है, और प्लस है तो प्लस, आठवें पद को क्या बोलते हैं सर, हम ए आठ बोलते हैं, ए आठ बोलते हैं, और क्वेश्चन में तो बोला ही है चौथा और आठवां पद का जो योग है ना उस दोनों को जोड़ते हैं तो 24 मिलता है, तो हमने चौथा पद को जोड़ दिया, आठवां पद को जोड़ दिया, तो ये जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, ये किसमें बताया गया है, क्वेश्चन में। अब आप एक चीज बताइए, इससे आप एक समीकरण निकाल सकते हैं, क्या समीकरण होगा सर जी, तो देखिए ए चार का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए प्लस तीन डी होता है, बीच में प्लस है तो प्लस, ए आठ का फॉर्मूला क्या होगा सर, ए प्लस सात डी होगा, बिल्कुल ठीक है, ए आठ का फॉर्मूला तो ये होगा ए प्लस सात डी, दाहिने में 24 है
तो हम 24 लिख लेंगे। अब एक चीज बताइए आप, एक चीज यहाँ पर हमें बताएंगे कि ए और ए कितना ए हो जाएगा सर, 2 ए हो जाएगा प्लस 3 डी और 60 डी, तो सर 10 डी हो गया। 10 डी बराबर कितना हो जाएगा दाएं हिने में, 24 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, दूसरी काम, दो कॉमन ले लीजिए, या नहीं भी लेंगे तो चलेगा बट ले लीजिए कॉमन, क्या दिक्कत है। आप एक काम कीजिए, मत लीजिए कॉमन, ठीक है ना, आगे हम समझ लेंगे, जहां पे हमें जो देखना होगा कर लेंगे। जनरली हम कॉमन लेते हैं इजी करने के लिए, यहाँ पर भी इजी हो जाएगा, और कॉमन नहीं भी लेते हैं तो चलता है, हमेशा हमें किसी भी सिस्टम का गुलाम हमें नहीं बनना है। तो इसको आप समीकरण एक मान लीजिए, यहाँ पे इस समीकरण का एक नाम दे दीजिए। आपको जो पहला शर्त दिया गया क्वेश्चन में ये आपको मिल गया। अगले तथ्य में बोला जा रहा है कि छठे और ग्यारहवें पद का जो योग है ना वो 44 है, यानी कि लिखेंगे पुनः जो है क्वेश्चन में बोला जा रहा है छठा यानी कि A6 और दसवें यानी कि A10। तो यहां पर आपको A6 यानी कि छठा पद और दसवां यानी कि A10, दसवां पद का जो योग है, जो दोनों को जोड़ने पर जो हमें मिलता है वो क्वेश्चन में बोला गया 44 मिलता है। कितना मिलता है, 44। अब आप दोनों को क्या कर लेंगे भाई साहब, जोड़ेंगे इसको, आप फॉर्मूला के रूप में तोड़ेंगे, फिर आपको एक समीकरण मिलेगा। अब बताइए छ का सूत्र क्या होगा सर, तो ए प्लस 5 डी होगा। ए प्लस कितना डी होगा, ए प्लस 5 डी होगा, और बीच में प्लस है, तो प्लस ए 10 का फॉर्मूला क्या होगा सर, ए प्लस 9 डी होगा, ए प्लस 9 डी। दाहिने में 44 है तो हम 44 ले लेंगे। अब आप एक काम क्या करेंगे, तो ए और ये ए कितना ए हो जाएगा सर, 2 ए हो जाएगा, 5 डी और 9 डी, तो 9 5 14 डी, कितना डी सर, 14, बिल्कुल ठीक है, इसे लिख लीजिए 14 डी हो गया। 14 डी बराबर कितना होगा सर, 44। अब इस समीकरण का नाम आप दे देंगे 2, ये हो गया समीकरण 2। ये कौन सा समीकरण हो गया, तो ये हो गया आपका समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 में आपको क्या करना है, ध्यान से सीखने समझने क्या करेंगे कोशिश कर, ये 2 समीकरण आपको मिल गया। अब इस दोनों समीकरण को हल करके आप ए और डी का मान निकालिए, पहला काम करेंगे यही, क्योंकि आपको निकालना है प्रथम 3 पद यानी कि A1 A2 A3 निकालना है। तो A1 तो अभी निकल रहा है, A2 A3 निकालने के लिए D और A दोनों ही चाहिए, तो पहले हम A और D निकालेंगे। कैसे निकलेगा A और D सर, तो इसी दोनों समीकरण को आप हल कीजिएगा तो A और D निकल जाएगा। तो आपको करना है ये समीकरण 2 माइनस 1 कर दीजिए, लिखेंगे सीधा अब समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, ठीक है, समीकरण 2, एक सेकेंड क्या लिखेंगे, तो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, ये 2 है माइनस 1 समीकरण, ये 1 लिख रहे हैं हम, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर तो कीजिए, देखते हैं क्या मिलता है आपको। समीकरण 2 में से 1 को सिंपली हमें घटाना है, तो समीकरण 2 है क्या, समीकरण 2 है सर, 2a प्लस 14d बराबर 44। तो यहां पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2a प्लस 14d, ये 14d है और बराबर में 44 है, तो हम क्या करेंगे 44 लिख लेंगे। और समीकरण 1 क्या है सर, तो वो तो सर 2a 10d और बराबर 24 है, तो यहाँ पर हम 2a लिख लेंगे, और प्लस में क्या है, तो प्लस में सर 10d है, तो हम ले लेंगे 10d और बराबर में क्या है 24 है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 24। हमें घटाना है, तो घटाने के वक्त में आप सभी जानते हैं नीचे का चिन्ह बदल जाता है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस, और ये 24 जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में। इससे फायदा क्या होगा, ये 2a और माइनस 2a कट गया, 14d में से 10d घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 4d, ये आप सभी को पता है पहले से। दाहिने में क्या है सर, आप जब 44 में से 24 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 20, कितना मिलेगा 20 मिलेगा, और इस 4 से जब आप इस 20 को भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 5, यानी कि डी का जो मान है वो आपको मिल गया 5। डी का मान कितना मिला, 5 मिला। अब जब डी का मान 5 मिल गया तो आप जो है अगला कैसे निकालेंगे, सो बताइए जल्दी से। डी बराबर आपको यहां पर मिल रहा है 5। अब आप ए का मान कैसे निकालेंगे, तो ए का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी में आप डी का मान रख दीजिए, तो लिखते हैं यहां पर हम समीकरण, ठीक है, ये हमने लिखा है समीकरण, आप समझ लेंगे मेरे पेन के नटखटपन को, ये कुछ नटखन कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, समझ गया बातों को कि नहीं समझ, तो बताइए। समीकरण हम क्या करेंगे, एक में समीकरण एक
में हम क्या करेंगे, d बराबर रख देंगे 5, d बराबर 5 रखने पर, d बराबर 5 रख, ये क्या लिखा, रखने पर क्या लिखेंगे, रखने पर, तो रखिए एक सेकेंड का नहीं, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा देख लेते हैं, आ जाओ यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा से ही कर देते हैं, जो भी करना अच्छा से कर लेंगे, एक सेकेंड टाइम ही ना लगेगा बस, लेकिन हम करेंगे अच्छा से। चलो देखते हैं कैसे करना होगा, देखिए सीखिए समझिए ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, समीकरण जो आपका एक है, समीकरण एक में हम क्या करेंगे, डी बराबर 5 रखेंगे, डी बराबर 5 रखने पर, डी बराबर 5 रखने पर, तो रखिए समीकरण एक में आप डी बराबर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। समीकरण एक क्या है सर जी, तो वो 2a प्लस 10d है, तो 2a और प्लस में 10d है, तो 10 गुने हम क्या कर लेंगे, डी कर लेंगे, डी का मान कितना सर 5। दाहिने में क्या है सर, तो दाहिने में तो 24 है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 24। अब इसको हल कर लीजिए, जब आप हल करेंगे तो क्या होगा, ये 2a है तो 2a लिखिए, फिर आप देखेंगे कि 10 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 50, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 50। दाहिने में आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 24, दाहिने में क्या है ये 24 है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 24 ले लेंगे। अब आपको क्या करना होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए एक चीज सीखने समझने की जो है कोशिश करेंगे, यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाइए। ये 2a है तो इस 2a को, ठीक है, इस 2a को बाएं रखिए, दाहिने में गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, एक सेकेंड रुक जाओ, इस सिस्टम को मैं ठीक कर लेता हूँ ताकि आपको समस्या ज्यादा देखने को ना मिले, ठीक है। ये 24 ठीक दिख रहा आप, ये था, हम ठीक कर लेंगे अभी, देख लीजिए एक सेकेंड। चलिए अब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो देखो, हाँ अब समझिए, अब यहाँ पर समझेंगे ठीक हो जाएगा। देखिए ये क्या था, 2a था, तो हम 2a ले लेंगे, प्लस में ये था 50, कितना था 50 था, और ये बराबर में 24 था। अब 2a को बाएं रखेंगे, दाहिने में पहले से 24 बैठा हुआ है, तो ये 24 होगा, ये 50 जाएगा दाहिने, तो माइनस 50 हो जाएगा, कहेंगे यस सर बिल्कुल ठीक है, ये तो माइनस 50 हो ही जाएगा। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, आप लोग क्या करेंगे, नीचे नीचे लिखेंगे, हम बगल बगल करके लिख देते ताकि आपको कम जगह में सारी की सारी चीज समझ में आ जाए। देखिए ये 2a बराबर क्या है, 2a बराबर दाहिने में क्या होगा, आप जब क्या करेंगे 24 घटाएंगे, ठीक है ना, 50 में से 24 घटाएंगे तो ये माइनस 26 होगा, माइनस 26 हो जाएगा। अब 2 से जब 26 को भाग देंगे तो 13 दुना 26, यानी कि a का जो मान है वो माइनस 13 मिल गया। अब a का मान माइनस 13 मिल गया, यानी कि आपको प्रथम तीन पर निकालना था, प्रथम तीन पर जो है निकालना था, तो लिखेंगे इसीलिए a1 बराबर, प्रथम पद को a1 बोलते हैं, a1 का फॉर्मूला a होता है, जिसका मान आपको माइनस 13 मिल चुका है। a2 क्या होता है, दूसरा पद होता है, तो a2 का फॉर्मूला क्या होता है सर, a प्लस डी होता है, तो a प्लस डी जो होता है, तो a प्लस डी कितना है, a का मान सर माइनस 13 प्लस डी, तो d का मान तो सर हमने निकाला अभी 5, यहाँ पर 5 निकाला, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 दे देंगे, तो आप घटाइए जल्दी से घटाइए, हाँ 8 5 13 होता है तो माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, A3 निकालेंगे, यानी कि तीसरा पद निकालेंगे। A3 का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, A प्लस 2D होता है, तो A प्लस 2D करेंगे, तो देखो करके क्या होता है, A का मान सर कितना, -13, A का मान -13, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और क्या करेंगे, ये 2D है तो 2 × D, यानी D का मान 5 डालना होगा, तो डाल करके देख लीजिए क्या आंसर आएगा, तो ये -13 और प्लस में क्या होगा 5 × 10 और तब फिर आपको मिलेगा -3। तो इस तरह से आपका जो फाइनल आंसर है वो देख सकते हैं कि -13, -8 और -3, तो -13, -8 और -3, ये तीन पद जो निकालने के लिए बोला था, आप इस तरह से तीनों पद क्या कर सकते हैं, निकाल के दिखा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल आसान तरीका में है। चलो आगे बढ़ेंगे और आगे सीखने समझने की हम लोग जो है कोशिश करेंगे।
आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हम आप लोगों को बता दें अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है, ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप पोल ऑफ 1 करोड़ प्लस आप क्या कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। और ये कब होने वाला है सर जी, ये 30 मई को होने वाला है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, तो वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। और कोड क्या डालना है, LGR स्टडी कोड आपको डालना है। इस टेस्ट में साइंस एंड मैथमेटिक्स से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आगे आइए, क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज जो है, इसमें 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, 30 क्वेश्चन रहेगा। ये वीकली होता है, प्रत्येक संडे को अनअकैडमी पर ये टेस्ट जो है होता है। और निगेटिव स्कोरिंग भी इसमें होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको बेस्ट एजुकेटर के द्वारा टेस्ट के खत्म होने के कुछ ही देर बाद डिटेल में वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं बना उसका सही उत्तर क्या होगा, और आप उस सारे क्वेश्चन को आराम से सीख भी पाएंगे। आगे बात करें तो इसमें 50,000 से भी ज्यादा बच्चे लाइव टेस्ट देते हैं, लाइव रहते हैं, तो आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में कंपटीटर मिलेंगे। और वहां पर आप जितने ही अधिक बच्चा रहेंगे कंपटीशन आपका उतना ही तागड़ा होगा, और आप जो है एक कम्पिटेटिव माहौल में बहुत अच्छा कर पाते हैं, तो वो तो फायदा आपको मिलेगा। और साथ ही आप चेक कर पाएंगे कि आप कितने बच्चे से नीचे हैं, कितने बच्चे से ऊपर है, आपको और कितना मेहनत करने का जरूरत है। और इतना ही नहीं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि अगर आप रैंक 1 से रैंक 3 में आते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। और 4 से 10 में आते हैं तो भी आपको 75% अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर आपको जो है छूट दिया जाएगा। और यहीं पर बात करें अगर 10 से 50 के बीच में आते हैं, 11 से 50, तो भी आपको 50% का अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको छूट जो है दिया जाएगा। और देख सकते हैं कि अगर आप 51 से 300 के बीच में भी भाई साहब अगर आप आ गए तो आपको 25% अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो है छूट दिया जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण चीज है। इसमें इनरोल कैसे करना है, आपको पहले ऐप डाउनलोड करना होगा। जो लोग पहले से ऐप डाउनलोड करके रखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको इनरोल नाउ का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और इंटर इनवाइट कोड, इनवाइट कोड मांगेगा। इनवाइट कोड में आपको LGR स्टडी डाल देना है और फिर यहाँ पर इनरोल नाउ पे क्लिक कर देना है तो आप इनरोल कर पाएंगे। और जो लोग नहीं डाउनलोड किए हैं तो इसी लिंक पर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर मोबाइल नंबर डाल करके लॉग इन कर लेंगे, पर्सनल डिटेल डाल करके वहां पर आपको साइन अप करना है, OTP डाल करके सारे सब वेरीफाई कर लेंगे, स्टेट लैंग्वेज, और वहां पर आपको क्लास भी सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद फिर से आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर क्लिक करके आप इसी प्रोसेस से इनरोल कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण चीज है, प्रत्येक संडे को होता है, ठीक है। हम भी यहाँ पे आते हैं प्रत्येक संडे, तो आप भी जरूर आइए, काफी महत्वपूर्ण चीज सीखने समझने को मिलेगा और एक टेस्ट बेहतर आपका होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन पर करेंगे बहुत ही बड़ा वाला प्रहार और बहुत ही अलग अंदाज में अलग तरीका से सीखने वाले हैं। तो समझो 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आखिर है क्या भाई साहब, समझिए। सुब्बा राव कौन है आपको पता है, पहले सुब्बा राव को जानते हैं कोई जानते हो तो कमेंट में लिख देना। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 है ना रुपए, 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, यानी कि एक महीने में इनको 5,000 रुपया मिलता था और इन्होंने काम करना शुरू किया। और प्रत्येक वर्ष जो है 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, यानी कि प्रत्येक वर्ष इनका जो वेतन है वो 200 रुपया बढ़ जाया करता था, ठीक है। इस साल अगर 5,000 है तो अगले साल 5,200, उसके अगले साल 5,400, उसके अगले साल 5,600, मतलब प्रत्येक साल 200 रुपया वेतन इनका बढ़ता जा रहा था। तो आपको बताना है कि किस वर्ष उनका वेतन जो है 7,000 रुपया हो जाएगा। अगर 200 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है तो कितने वर्ष के बाद उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मामला तो आपको समझ में आ गया। अब सुब्बा राव के बारे में समझ लीजिए। सुब्बा राव क्या थे, RBI के गवर्नर थे, ठीक है। इनका पूरा नाम था दू सुब्बा राव, ठीक है। सुब्बा राव, यावे रेड्डी, आप लोग रंग राजन, ये सब जानते होंगे, नाम सुने होंगे अगर आपने RBI के गवर्नर के बारे में स्टडी किया होगा तो अगर जानकारी यहाँ पर आपको मिलना चाहिए तो बस इतना समझ लीजिए कि दू सुब्बा राव हमारे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, RBI के क्या थे, भारतीय रिजर्व बैंक के ये गवर्नर थे। और 1995 में देख सकते हैं कि शुरुआत, देखिए
शुरुआत कितना रुपया से हो रहा है, 5,000 रुपये प्रति माह के वेतन से इनका हो रहा है। तो देखिए एपी में क्या है, प्रथम पद यानी कि ए डी एन और हाँ ए डी एन और ए एन, ये तीन चार चीज अभी हमें क्या करना है समझना है। देखिए आइए इस क्वेश्चन को कैसे पता करें, कैसे मुझे पता चलेगा कि कितना साल के बाद उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए हम मान लेंगे कि एन साल के साल, कितने साल के साथ बाद, एन साल के साथ यानी कि एनवा साल इनका रुपया इतना हो जाएगा। तो ए एन तो मुझे मिल गया, लेकिन हमें ए और डी कहां से मिलेगा। तो देखिए जब आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आइए तो आप सीधा सीधा क्या समझेंगे, लिखेंगे जब आप इसको हल कीजिए तो हल के करेंगे तो लिखेंगे यहां, यहां क्या लिखेंगे, यहां ए बराबर 5,000 रुपया। सर ए बराबर 5,000 इतना जल्दी कैसे आ गया। देखिए ए बराबर हम 5,000 इतना जल्दी और फास्टली इसीलिए ले सकते हैं क्योंकि प्रथम पद को ही हम ए बोलते हैं और इनका शुरुआत 5,000 रुपया से हो रहा है। तो प्रथम पद तो हम शुरुआत वाले को ही बोलेंगे, तो ए हो गया 5,000 एवं डी, डी सर कितना होगा, तो डी होगा 200 रुपया, डी कितना होगा 200 होगा। सर डी 200 क्यों होगा, क्योंकि देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो बढ़ रहा है ना वो 200 रुपया ही बढ़ रहा है और हम तो यही देख जानते भी हैं कि जो बढ़ता है ना, जितना बढ़ता जाता है बढ़ोतरी जितना का होता है वही तो सार्वंतर कहलाता है। जैसे 5, 7, 9, 10, 9, 11 तो इसमें बढ़ कौन रहा है, तो बढ़ रहा है ये 200 बढ़ रहा है। तो वहां पर आपको ये देखना है कि प्रत्येक साल कितना का अंतर आ रहा है, तो प्रत्येक साल अंतर आ रहा है 2 का, तो यही सार्वांतर कहलाएगा। तो डी का मान यहाँ पर आपको 200 मिल गया और ये कितने वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, तो मुझे पता नहीं कितने वर्ष बाद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे माना कि एन वर्षों में है ना उनका मासिक वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, एक लाइन लिख देंगे, लिखेंगे माना कि, ठीक है ना, माना कि एन वर्षों में, कितने वर्षों में, तो एन वर्षों, ठीक है ना, एन वर्षों में उनका, ठीक है, उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, 7,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आप क्या करेंगे, लिख लेंगे एन वर्षों में उनका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा, आप ऐसा क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब एन वर्षों में उनका वेतन क्या हो रहा है, 7,000 रुपया हो रहा है, तो अब आपको करना क्या है, इसका मतलब है एन का मान है इतना, एन का मान है इतना, एन वर्षों में इतना हो रहा है यानी कि एन का मान 7,000 है। अब क्या करना होगा सर जी मुझे, तो देखिए तो लिखेंगे इसीलिए, एक मिनट, अब अच्छा लगता है, देखिए हाँ, तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसीलिए एन वर्षों में 7,000 रुपया हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 7,000 क्या है, ए एन मा पद है, तो ए एन बराबर 7,000, एन बराबर 7,000। अब आप इस ए एन का फॉर्मूला लिखिए, सर ए एन का फॉर्मूला यानी कि सूत्र क्या होता है, ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और वो बराबर है कितना, तो सर 7,000 के बराबर है। ए का मान कितना है आपके पास, देख लो भाई साहब जल्दी से, ए का मान सर मेरे पास है 5,000, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग 5,000, प्लस है तो प्लस, एन माइनस 1, एन का मान मुझे पता नहीं वही निकालना है, डी का मान कितना सर जी 200, तो डी का मान 200, तो यहाँ पर 200 डाल देंगे, दाहिने में 7,000 है तो 7,000 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके एन का मान निकाल लीजिए, वही आपका आंसर है। तो ये तो पहले, हाँ ठीक है, एक काम कीजिए, ये 5,000 है, 5,000 रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है, 5,000 हमने ले लिया, बीच में प्लस है तो प्लस, एन को 200 से गुना करेंगे तो ये 200n होगा, एक को माइनस 200 से गुना करेंगे तो ये माइनस 200 हो जाएगा, दाहिने में 7,000 है तो हम क्या करेंगे, 7,000 लिख लेंगे। अब आगे क्या करेंगे सर, तो देखो भाई साहब ये 200n है ना, 200n है, 200n तो बाएं रखिए, दाहिने में ऑलरेडी देख सकते हैं कि 7,000 बैठा हुआ है, तो 7,000 रहने देंगे, ये 5,000 जाएगा तो माइनस 5,000 हो जाएगा, और ये 200 जाएगा तो ये प्लस 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस 200। अब इसी को आप जल्दी से सुलझा लीजिए, क्या मिलेगा आपको, तो ये 200 है ना, 200n है, दाहिने में 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो मिलेगा 2,000, और 2,000 में आप 200 जोड़ देंगे तो ये 2,000
200 हो जाएगा, यानी कि 2200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2200। ये 2200 लेना है मुझे भैया, 2200। ठीक है, 2200 हो गया। इससे अब आप कैसे अन निकालेंगे, देखिए 200 से 2200 को भाग करेंगे तो 11, क्योंकि 11 दूना 2200, तो आपको n का मान मिल गया भाई साहब। कितना आपको n का मान मिल गया? 11। कितना सिंपल है, n बराबर कितना? 11। यानी कि 11 वर्ष के बाद उनका वेतन 7000 रुपया हो जाएगा। और ये 11 वर्ष आपका फाइनल क्या है, आंसर है। समझने में कोई दिक्कत है तो बता दूं, कितना सिंपल है ना। आप चीजों को भारी ना बना करके, लंबा ना बना करके, चीजों को अगर आप ऐसे बच्चों को सिखाइए या फिर आपको ऐसे सीखना चाहिए जो हमें समझ में आए, या फिर जो हमारे काम का चीज है। लेंथी खींचने से, लंबा खींचने से कुछ होता नहीं है। सिंपल से चीजों को आप लंबा ना करें कभी भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से आप क्वेश्चन को सीखेंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आ चुका आपका 20 नंबर। क्वेश्चन के द्वारा क्या पूछा जा रहा है, सीखने समझने पर ज्यादा फोकस कीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है सर। कैसे सेम है तो आइए दिखाते हैं कि ये सेम कैसे है। रामकली, ये रामकली, सरस्वतिया देवी, मंतुरनी, ये सब कुछ हमारे देहात के अंदर, गांव के अंदर कुछ नाम हुआ करता था, ठीक है ना। तो अभी भी ठीक है, इसमें कुछ उस टाइप का ही नाम है। ये व्यक्ति का नाम रामकली, कोई लड़की है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, है ना, कोई साल है जिसके प्रथम सप्ताह में 5 रुपया, प्रथम बार कितना? 5 रुपया। तो यही प्रथम पद बनेगा आगे जाके, याद रखेंगे। प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत कर बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.7 बढ़ाती गई। इसका कहने का सीधा सीधा मतलब है, पहला सप्ताह में वो 5 रुपया बचा रही है, दूसरे सप्ताह में वो क्या करेगी, 5 रुपया तो बचाएगी और इसमें बढ़ोतरी कितना कर देगी, 1.75 रुपये का, यानी कि 6.75 रुपये बचाएगी। अगले सप्ताह 6.75 और बढ़ा देगी, उसके अगले सप्ताह 6.75 और बढ़ा देगी। यदि nवें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत जो है 20 रुपया हो जाती है तो n का जो है, n ज्ञात कीजिए, n ज्ञात करना है, nवें सप्ताह में इतना हो जाता है, यानी कि an का जो मान है ये दिया गया है यहाँ पर, तो आपको n का मान क्या करना है, निकालना है। कितना सिंपल है, अभी बनाइएगा आपको पता चल जाएगा। जब आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए तो जो क्वेश्चन में दिया गया उसको पहले लिख लेंगे, तो लिखेंगे सॉरी यहां आप गौर से देखो तो हम प्रथम पद किसको बोलते हैं, शुरुआत वाले पद को प्रथम पद बोलते हैं। तो वो जो बचत करना शुरू करी है, कहां से बचत करना शुरू करी है, 5 रुपया से। तो ए का मान कितना हो जाएगा सर, ए का मान हो जाएगा 5 रुपया। और डी कितना है, तो डी है सर 1.75। सर ये क्या, कैसे आप बोल सकते हैं कि डी है? तो भाई साहब प्रत्येक सप्ताह कितना अंतर होता जा रहा है, जो बढ़ोतरी होता है या फिर जो कमता जाता है वही तो होता है सार्व अंतर। तो प्रत्येक सप्ताह 1.75 बढ़ रहा है तो यही क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। यहां तक सीखने समझने में कोई कष्ट है तो बताइए। ए और डी का मान मिल गया एवं क्वेश्चन में बोल रहा है कि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत है 20.75। nवें सप्ताह में है तो लिखेंगे एवं। एक चीज और यहां पर आपको मिल गया, क्या मिल गया, ए एन मिल गया। कितना मिला सर, तो 20.75 मिला, 20.75 ये एन आपको मिल गया। अब आप इसी में एन का सूत्र लिखिए। तो सर एन का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो सर एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दाहिने में क्या है सर, 20.75 है। अब इसमें ए और डी का मान आपके पास है तो डाल दो भाई साहब। ए का मान कितना, 5 है सर, बिल्कुल छोटा सा मान। प्लस है तो प्लस, एन माइनस वन करेंगे और इंटू में डी का मान डालेंगे तो 1.75 है डी का मान। है दाहिने में क्या है सर, 20.75 है, 20 क्या है, 75 है। अब आप इसको हल कीजिए फास्ट में, तो हल करेंगे तो सर क्या मिलेगा, तो देखें आप, ये 5 तो ठीक है, यहाँ पर n को 1.75 से गुना करेंगे तो प्लस 1.75 n हो जाएगा, माइनस 1 से 1.75 को गुना करेंगे तो माइनस 1.75
सात पाँच मिलेगा। दाहिने में क्या सर, 20.75 है, 20.75 है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो देखिए ये 1.75n जो है इसको रखिए बाएं, 1.75n को बाएं रखिए। दाहिने में पहले से 20.75 बैठा हुआ है, एक काम करेंगे 1.75 को दाहिने भेजिए, तो ये हो जाएगा प्लस, है ना, 1.75, ये दशमलव है 75, और फिर ये प्लस 5 दाहिने जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, जोड़ घटाओ दशमलव का, जो नहीं आता जिनको तो अभी ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये 1.75 है, एक मिनट मैं इसको और अच्छा ही कर देता हूँ, देख लो। 1.75 हो गया। अब क्या करेंगे सर, तो देखिए 1.75n है, दाहिने में 20.75 में 1.75 जोड़ना है आपको, 1.75 क्या करना है, जोड़ना है, तो कितना होगा सर, 20 और 21, 75 होता है डेढ़, तो 22.25 होगा, कितना होगा 22.25। कैसे सर, देख लीजिए आप 20.75 में 1.75 जोड़ रहे हैं, हाँ जोड़िए, ये 5, 5, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 मिलेगा, और 7, 7, 14, और जो हासिल 1 है वो 15 का हो जाएगा 5, हासिल फिर 1 मिलेगा, दशमलव है तो दशमलव डालना पड़ेगा यहाँ पर, ये 0 और 1 एक ही होगा, लेकिन हासिल जो 1 है वो हो जाएगा 1, 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 तो लिखना होगा, तो 22.50 हो गया। अब इसमें से घटाना है आपको 5, 5 क्या करना है, घटाना है, तो 22 में से 5 घटाना है तो ऐसे घटाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये तो 0 और 5 ठीक है अपने जगह पे, दशमलव है तो दशमलव लेना पड़ेगा, एंड क्या करेंगे 22 में से 5 घटाएंगे, सर सभी जानते हैं हम लोग 17, 5, 22 होता है, तो ठीक तो है, एक ये हो गया आपको 17.50 आपको मिल गया, ठीक है, हाँ। अब 17.50 जब आपको मिल जाता है तो अब आप क्या करेंगे समझिए, अब आप n का मान निकालना चाहेंगे, तो और कितना आसान तरीका मैं बताता हूँ n का मान निकालने का, समझेंगे, लिखेंगे इसीलिए n बराबर क्या होगा सर, एक काम करिए, दाहिने में 17.50 है, और फिर इसके बट्टा में जाएगा ये 1.75 इसके बट्टे में जाएगा। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, सो देखिए आराम से देखते रहिए, n बराबर आप क्या करेंगे कि जो यहाँ पर 17.50 है उसमें से दशमलव हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 17.50, और उसके बट्टा में क्या आएगा सर, उसके बट्टा में आएगा ये 100, कितना आएगा 100 आएगा, हल्का वीडियो के क्वालिटी को बढ़ा लीजिए आपको पूरा क्लियर दिखेगा, देखिए ये तो सिंपल फंडा है सर जी, 17.50 में से आपने क्या किया, दशमलव हटा दिया, तो दशमलव के बदले 1 और 00 आएगा क्योंकि 2 अंक है दशमलव के बाद। अब 1.75 के साथ भी यही करेंगे, 175 ये हो जाएगा, इसके बट्टा में आ जाएगा टोटल 100, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्यों सर 100 आएगा, क्योंकि ये दशमलव हटाएंगे तो ऐसा आएगा ही आएगा। अब आपको क्या करना है, एन बराबर क्या लिखना है, देखिए एक सेकेंड रुक जाओ, बस ये लास्ट है तो हम इसको बहुत अच्छा करना चाहते हैं, ना कि बहुत खराब करना चाहते हैं, देखिए समझने की कोशिश करेंगे, एक सेकेंड, ये लास्ट स्टेप है, चलो हाँ आ चुका है, अब देखिए कि क्या करेंगे, अब एक सेकेंड हो जाएगा, हो गया, अब देखिए अब दिख रहा, अच्छा अब आ जाओ, इसको कैसे करना है सब देखिएगा, अब आपको करना है ये कि जो n है उसको लिख लीजिए, n बराबर क्या होगा सर, ऊपर वाला को सेम टू सेम रखते हैं, तो ये है 1750 बट्टा में 100 है, ठीक है सर ये तो ठीक है, और ये जो मेन बट्टा है ये हो, बट्टा का मतलब होता है भाग, भाग को बदलेंगे गुना में, ठीक है, तो 175 बट्टा जो 100 है वो पलट जाएगा, 100 चला जाएगा ऊपर और 175 जो है वो आ जाएगा नीचे, तो 100 से 100 तो कोना कोनी कट गया, और 175 से ये भी 175 कट गया 10 मरतबे, कितना मरतबे 10 मरतबे,
यानी कि n का मान आपको मिल गया 10। n बराबर कितना मिला 10, ये फाइनल आंसर है। यानी कि अगर बात किया जाए तो पूछा गया था भाई साहब n का मान, कि n का मान ज्ञात कीजिए, तो n का मान तो आपको आ गया n बराबर कितना 10, ये क्या है फाइनल आंसर है। इस तरह से आज हो जाता है द इंड किसका, तो 5.2 का। फिर कल हम 5.3 शुरू करेंगे, उसके साथ पहले कंसेप्ट को देखेंगे, उसका जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे, और फिर कल 5.3 हम लोग क्या करेंगे शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का सेशन जो है वो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। जितने भी साथी सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को लाइक आप जरूर कर दीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। कितना भी विषम परिस्थिति आ रहा है फिर भी हम आपका क्लास नहीं रोक रहे हैं, क्लास आपका ले ही रहे हैं, देख सकते हैं अभी लाइव क्लास का जो सिस्टम है मेरा बहुत डिस्टर्ब हो चुका है, तो इस विषम परिस्थिति में भी हम आप लोगों का क्लास ले रहे हैं, ठीक है। और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हमारे साथी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका पीडीएफ अभी हम टेलीग्राम पर डाल रहे हैं टेलीग्राम ऐप पर अभी जस्ट इसका पीडीएफ डाल देंगे, तो आप लोग सभी जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए इस तरह से एलजीआर स्टडी, ठीक है, ये आईडी है, या हाँ एलजीआर स्टडी सर्च करेंगे, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का दोनों का लिंक मिल जाएगा, दोनों जगह आप लोग ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच आज के क्लास में यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए। और अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके डाउट का 100% रिप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।